फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होता क्या है? पॉलिनोमियल्स को हम हिंदी में बहुपद बोलते हैं। पॉलिनोमियल्स दो या दो से ज्यादा टर्म से मिलकर बना होता है। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। आपके सामने कुछ इक्वेशंस दी गई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल स्टेट रीजंस। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल है, और उसके रीजंस भी आपको बताने हैं। पॉलिनोमियल चेक करने के लिए हमें ये याद रखना होगा कि जो भी वेरिएबल्स होते हैं, मैं आपको पहले बता दूं वेरिएबल्स क्या चीज होती हैं। ये जो अल्फाबेट्स होते हैं हमारे ए टू जेड, इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं मैथ में। तो वेरिएबल्स के ऊपर बिल्कुल होल पावर होना चाहिए। वेरिएबल के ऊपर कोई नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल के ऊपर कोई रूट नहीं लगा होना चाहिए। वेरिएबल किसी के डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7, ये एक पॉलिनोमियल है, और वो भी वन वेरिएबल में। इसमें केवल एक ही वेरिएबल आया है x, और इसकी जो पावर है वो एक होल नंबर है 2। कोई नेगेटिव पावर नहीं है, ना ही x पर कोई रूट लगा हुआ है, ना ही x डिनोमिनेटर में है। तो ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है x, तो ये एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, वो एक रूट हमें शो हो रहा है, लेकिन वो रूट वेरिएबल के ऊपर नहीं है, वो एक कांस्टेंट टर्म के ऊपर है। तो जो कांस्टेंट टर्म के ऊपर रूट है, उससे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे वेरिएबल के ऊपर होल पावर है, तो इसलिए ये भी एक वेरिएबल वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। थर्ड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम देख सकते हैं टी के ऊपर रूट आया हुआ है, मींस वेरिएबल हमारा रूट के अंदर है, इसलिए इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल एज इट हैज टी वेरिएबल विच हैज रूट। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें जो टी है वेरिएबल, उसमें रूट लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं वाई डिनोमिनेटर में आया हुआ है। मैंने अभी आपको बताया था कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है तो वो न्यूमिनेटर में जाकर अपनी पावर को माइनस में कर देगा। जैसे यहां पर ये जो y था, ये y की पावर -1 हो गई। तो अभी हमने बोला था कि किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल एज इट हैज y वेरिएबल विच पावर इज नॉट अ होल नंबर। इसका जो पावर है y का, वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम देख सकते हैं कि सारी पावर जो है वो होल नंबर में है, लेकिन यहां पर ये भी पूछा गया था, आपको ये भी बताना है कि क्या वन वेरिएबल है, लेकिन यहां पे 3 वेरिएबल्स हैं x, y, t, तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये 3 वेरिएबल्स में है। इट इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। हमें यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट फाइंड आउट करना है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक्स स्क्वायर आपको अपनी इक्वेशन में फाइंड करना है, और उसके साथ जिसकी मल्टीप्लाई हुई है वही उसका कॉफिशियंट होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहां पे कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब ये 1x² है, तो यहां पर हम इसका कॉफिशियंट 1 लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट -1, क्योंकि यहां पर माइनस का साइन है और यहां पर 1x² हम सपोज करेंगे, तो -1 कॉफिशियंट हो गया। थर्ड वाले में एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो है π/2, तो इसका जो कॉफिशियंट एक्स स्क्वायर का वो π/2 है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर गिवन नहीं है, तो इस वाले क्वेश्चन में जो एक्स स्क्वायर है वो गिवन नहीं होने के कारण उसका कॉफिशियंट 0 ही रहेगा। थैंक्स।